हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो लैंग्वेज पेपर में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर कम आ रहा है, अराउंड बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने लैंग्वेज पेपर को, ठीक है। और बहुत सारे का ये कहना था कि अगर हम लोगों का लैंग्वेज पेपर में कम नंबर रहा तो क्या मेरिट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इससे, तो मैं आपको बता दूं इससे जो है कि आप सभी लोगों का मेरिट पर थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत क्या मेरिट नहीं बनने के भी चांसेस आप सभी लोगों को दिखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कितने क्या नंबर होने पर आप सभी लोगों के लैंग्वेज में मेरिट बन सकता है, उसके बाद जो इस बार पैटर्न चेंज किया गया है किस पैटर्न पर आप सभी लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, एंड देन इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है आप सभी लोगों का नाइन टेंथ क्लास मैथ्स का, क्लास नाइन टेंथ मैथ्स का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के आज तक बने रहिएगा। एंड अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। अगर हम लोग बात करें पेपर के लेवल के बारे में, तो इस बार का जो आप क्लास नाइन टेंथ का मैथ्स के पेपर की बात करें तो पेपर जो था आप सभी लोगों का मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके माइनर मिस्टेक नहीं हुए, अगर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके माइनर मिस्टेक नहीं हुए तो उनका स्कोर वही 95+ आ रहा है, कुछ के स्कोर 100+ भी हैं, बट आंसर के आने के बाद सभी के स्कोर जो एक लेवल में देखने को मिले, क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स ना यूट्यूबर कोई बता पाया है ना कोई मास्टर बता पाया, वो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो जिसके आंसर के आने के बाद ही हमें पता चल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस बार कितना कंपटीशन है आप सभी लोगों के मैथ्स के पेपर में, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा 2030 के आसपास इस बार वैकेंसी है ऑल ओवर, जिसमें से 1305 वैकेंसी जो है कि मेल की है, और आगे बात करें तो जो 725 वैकेंसी है ये फीमेल की है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं 2030 को और 735 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो 2030 है आपके नोटिफिकेशन वाले में ये मेल में लिखा होगा, ठीक है, मेल का टोटल वैकेंसी लिखा होगा, बट मैं आपको बता दूं 725 जो वैकेंसीज है अगर आप लोग इसका निकालते हैं 2030 का अगर 33-34% निकालिएगा तो ये आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है कि फीमेल का रिजर्व रहता है, इसके ऊपर सिर्फ फीमेल ही जा सकती है 725 सीट पर, बाकी फीमेल जो है कि इस 1305 सीट पर भी आ सकती है अगर उन्होंने जनरल का कट ऑफ क्लियर कर लिया तो। इसके लिए पिछली बार बहुत सारे सब्जेक्ट में मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ सेम देखने को मिला था, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे 2019 के बारे में, 2019 में टोटल 9287 कैंडिडेट ने नाइन टेंथ का एग्ज़ाम दिया था मैथ्स का, ठीक है, उसमें से कुछ नियोजित टीचर्स भी थे कुछ और अधिकतर स्टेट पास वाले कैंडिडेट थे, ठीक है, जिसके अंदर से कितने कैंडिडेट पास हुए सिर्फ 4480 कैंडिडेट पास हुए, बाकी कैंडिडेट बचते हैं आप सभी लोगों के पास 4807 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जिनका सब कुछ क्लियर होने के बावजूद वो लोग TRE1 में सिलेक्ट नहीं हो पाए। अगर हम लोग बात करें जो 2023 में स्टेट हुआ है, इसमें जो है कि कुल 52447 कैंडिडेट पास हुए हैं 2023 वाले स्टेट में, और TRE 2.0 में जो रिजल्ट आया है सिर्फ 3115 कैंडिडेट का है जो है कि रिजल्ट जारी हो पाया, यानी कि इतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाए TRE 2.0 में, ठीक है। TRE 3.0 में वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए होंगे जिनका स्टेट क्लियर होगा 2019 वाला 2023 वाला, या और वो लोग TRE 1 और TRE 2 में दोनों में फेल हो गए होंगे, वही लोग जो है कि स्टेट TRE 3.0 में उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो अगर हम लोग उसकी गणना करें कि कितने ऐसे कैंडिडेट बचे जो कि TRE 1 TRE 2.0 में फेल होने के बाद उनका स्टेट 1 स्टेट 2 क्लियर था, यानी कि स्टेट 1 जो आपका 2019 में हुआ, स्टेट 2 जो 2023 में हुआ, ये दोनों क्लियर होने के बाद जो टोटल कैंडिडेट बचते हैं यहाँ पर देखेंगे 54139 कैंडिडेट बचते हैं। 54139 में से हम लोग मान लेते हैं 2139 कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी न किसी अलग अलग जगह में 11, 12 में रिजल्ट आ गया होगा, या फिर क्या कहते हैं कि दूसरे चीज़ में रिजल्ट आ गया होगा, और या फिर कुछ नियोजित होंगे, या फिर किसी का एज क्लियर नहीं होगा। हम लोग 52,000 को भी अगर लेके चले कि 52,000 कैंडिडेट ने अगर फॉर्म अप्लाई किया होगा तो 52,000 को अगर आप सभी लोगों को 2030 से डिवाइड करते हैं टोटल कितने कैंडिडेट बचते हैं आप सभी लोगों के पास, 52,000 आप सभी लोगों के पास कैंडिडेट बचते हैं, टोटल वैकेंसी है 2030, इससे डिवाइड करते हैं तो आप सभी लोगों को जो कंपटीशन देखने को मिल जाएगी एक सीट के ऊपर 25 कैंडिडेट की कंपटीशन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं आप सभी लोगों के साथ, यानी कि अगर आपका नहीं होता है तो आपके पीछे 25 कैंडिडेट खड़े रहेंगे, 24 कैंडिडेट खड़े रहेंगे कि हाँ आपका नहीं हुआ तो मेरा हो जाए। तो 25 कैंडिडेट का आपको जो है कि यहाँ से कंपटीशन देखने को मिलेगा, मैंने आपको कंपटीशन भी समझा दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं मेरिट के बारे में, ये जो नोटिस है मेगा सूची यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो PDF नोटिफिकेशन जारी किया गया था BPSC आयोग के द्वारा, ये टोटल
27 पेज का पीडीएफ है। जैसे आप लोग 8वें नंबर 10वें नंबर पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेगा सूची, और इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप सभी लोगों का भाग दो का प्राप्तांक तथा चयनित विषय के समान अंक होने की स्थिति में इस भाग भाषा अथर्था भाग वन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेगा क्रम निर्धारित होगा। यानी कि आप सभी लोगों का भाषा अर्हता का नंबर चेक किया जाएगा। अगर आप सभी लोगों का जो पेपर टू यानी कि जो 80 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे अगर इसके नंबर सेम होते हैं तो आप सभी लोगों के लैंग्वेज के पेपर देखे जाएंगे, लैंग्वेज पेपर के नंबर देखे जाएंगे कि लैंग्वेज पेपर में नंबर किसके ज़्यादा है, उसका जो है कि यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बट TRE 2.0 में जो है कि ऐसा नहीं हुआ था। TRE 2.0 में GS पेपर का नंबर देखा गया था, क्योंकि भाषा अर्हता को TRE 2.0 में हटा दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन भी रुका था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो चुका है एक जरिए से। बट यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी था कि हाँ लैंग्वेज में इतना नंबर होना ही चाहिए, तो 9-10 नंबर अगर आप लोग का आता है तो आप लोग लैंग्वेज का पेपर क्लियर कर पाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पेपर ख़राब चला गया, क्वेश्चंस नहीं सही हुए हैं, तो कुछ लोगों का तो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो अलग बात है। बट अगर लोग बात करें मेरिट में, तो मेरिट में यहाँ पर आप सभी लोगों को लैंग्वेज पेपर पर फोकस किया जाएगा और ये मेन रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें इस बार के पेपर के लेवल के अनुसार अगर हम लोग कटम देखेंगे, अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो मुझे प्रीवियस वीडियो में बता रहे थे कि सर आपने ABC का जो कटअप है ये कम बताया है, तो देखिए भैया अगर हम लोग बात करें इस पूरे कैटेगरी में UR के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ABC में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार ABC में। तो जिसकी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं उसमें थोड़ा बहुत आप सभी लोगों को कमी देखने को मिला है। और अगर आप लोग पिछला कटअप उठा करके देखिएगा तो ABC से ज़्यादा कटअप था EWS का। तो जो लोग कमेंट में ज्ञान देते हैं, कृपया करके अगर आपको उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए, और अगर आप बोल रहे हैं तो पूरा डाटा लेकर के बोलिए। ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी मैं आप सभी लोगों को बता दूँ तभी भी आप लोग जो है कि बात नहीं मानते हैं। बट अगर हम लोग बात करेंगे UR के बारे में तो UR का 100 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, UR फीमेल का जो है कि 91 के आसपास देखने को मिलेगा। EWS की बात करें तो EWS का जो कटअप है आप सभी लोगों का ये 93 के आसपास देखने को मिलेगा। EWS फीमेल का 80 नंबर, EBC का जो है कि अगर हम लोग बात करें तो 82 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। EBC फीमेल का 76 नंबर के आसपास देखने को मिलेगा। BC की बात करें कि BC ये कितना जाएगा, तो BC का जो है कि आप सभी लोगों का 95 और BC फीमेल का जो है कि 82। अगली कैटेगरी है SC का 70, SC फीमेल का जो है कि 59। अगली कैटेगरी है आप सभी लोग की ST का जो है कि 61 मेल का और फीमेल का जो है कि 55। अब बात करें आंसर की कब तक आएगी आप सभी लोगों की, तो आंसर की आप सभी लोगों का जो है कि 31 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में जो है कि आप सभी लोगों के OMR शीट अपलोड कर दी जाएंगे। आंसर की OMR शीट के आने के 7 दिन बाद अपलोड होगा, 7 दिन की प्रक्रिया मिलेगी, टाइमिंग मिलेगा। अगर आप सभी लोगों को उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी लोग जो है कि पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी 7 दिन के बाद जो है कि आंसर की यानी कि 10-12 तारीख के आसपास आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को इसके अंदर कुछ भी चीज़ डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।